Welcome to Tech Beans Podcast, an initiative by Clover Infotech. Today I'm joined by Mr. Amol Bhokre, who is the senior graphic designer who has more than 10 years of experience in graphic designing and UI/UX development. So welcome Amol. आप कैसे हो? बस बढ़िया हो. So ये जो लोग हैं हमारी जनता वो जानना चाहती है कि आपकी ये UI/UX की जर्नी कैसे थी, कौन से टूल्स आप सीखे हो, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों पसंद है, और अगर हमें या इन ऑडियंस को अगर UI/UX करना है या उन्हें एक UI/UX डेवलपर या ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो उन्हें क्या करना होगा. सो शुरू करें? या काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि आज हम एक नए चीज़ पे बात करने वाले हैं और बेसिकली ये सारे जो 21st सेंचुरी जिसे कहते हैं, जो AI वर्ल्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टू मेनी थिंग्स, सो इसके लिए डिज़ाइनिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है इन द फ्यूचर. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. ओके, तो शुरू करें. पहला सवाल अमोल जी, हमें जानना है कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये करियर क्यों चूज़ किया, बिकॉज 10 साल पहले अगर हम देखेंगे तो देर वॉज सिविल इंजीनियरिंग, आई मीन अभी भी है, बट 10 साल पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक करियर ऑप्शन जैसे नहीं माना जाता था. मतलब हर माँ या मॉम डैड ऑलवेज थिंक कि मेरा बेटा सिविल इंजीनियर बनना चाहिए, साइंटिस्ट बनना चाहिए, डॉक्टर. तो आपको व्हाट ट्रिगर्ड कि आप ये करो कि हाँ मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही करना है या मुझे इसी में करियर बनाना है. सो व्हाट मेड यू चूज दिस एज अ करियर? इसका जवाब मेरे बचपन में छुपा है. बचपन में मुझे हमेशा सवाल आते थे कि एप्पल रेड क्यों होता है, स्काई हमेशा नीला क्यों होता है, ट्रायंगल हमेशा ट्रायंगल ही क्यों रहता है, स्क्वायर हमेशा स्क्वायर ही क्यों रहता है. ऐसे बहुत सारे सवाल जो मुझे बचपन में सताते थे और वो ढूंढने के लिए मैं मम्मी पापा को हमेशा परेशान करते रहता था कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा. तो वो जो क्यूरियोसिटी था, उस क्यूरियोसिटी को मैंने मेरे पैशन में बदला और वो पैशन मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के तरफ अट्रैक्ट किया और फिर देन आई परस्यू इन ग्राफिक फील्ड्स. ओके, लेटर ऑन आई एम स्लोली शिफ्टेड ऑन UI/UX. ओके, सो आपकी ये जो पूरी जर्नी थी UI/UX की, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग जर्नी शुरू किस तरह हुई और अब आप कहाँ हो और तब आप कहाँ थे? एक्चुअली 10 साल पहले जब मैं एक प्रिंट मीडिया में काम करता था, एक प्रिंटिंग प्रेस में, तो वो टाइम पे बहुत बार जो डिज़ाइनर, तब मैं एज ए डिज़ाइनर वर्क नहीं करता था, तो मैं वहाँ पे एज एन इंटर्न सीख रहा था. तो मैं डिज़ाइनर जो ऑलरेडी वहाँ पे काम करते थे उनको पूछता था कि यहाँ पे यही कलर क्यों यूज़ किया है, यहाँ पे एक क्यों नहीं यूज़ किया, यहाँ पे ये अच्छा नहीं दिख सकता था. तो ऐसा जब मैं पूछता था तो डिज़ाइनर लोग परेशान हो जाते थे और वो मुझे बोलते थे अरे इतना करना है तो तू खुद क्यों नहीं करता. तो यही बात एक ट्रिगर पॉइंट था कि बस मुझे अब ग्राफिक डिज़ाइन सीखना है और तब से मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट लिया. उसके लिए प्रॉपर कोर्सेस रहते हैं, वो कोर्सेस किया. देन ये जो सवाल मेरे दिमाग में मुझे हमेशा सताते थे या फिर मुझे हमेशा जिसके बारे में मैं मुझे क्यूरियोसिटी लगती थी उसके जवाब मुझे मिलना स्टार्ट हो गए. सो सडनली जैसे कि कोई भी हम होटल्स के लिए वगैरह डिज़ाइनिंग बना रहे तो मोस्टली वार्म कलर्स यूज़ होते हैं, लाइक ऑरेंज, रेड, ताकि अगर सपोज आप वहाँ पे ब्लू कलर देखोगे तो आपको खाने की मन नहीं करेगा. कोई भी अगर खाने का ऐड है तो बेसिकली वो देख के आपका माउथ वाटरिंग होना चाहिए, आपको वो चीज़ मतलब खाने का भूख का एहसास होना चाहिए, इस काइंड ऑफ. तो ऐसा बहुत सारी चीज़ों में साइंस रहता है, उसके पीछे कुछ टेक्निकल चीज़ें रहती है. वो जानने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक बहुत अच्छा ज़रिया है. सो इनिशियली जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम फोटोशॉप यूज़ करते थे, वहाँ पे वो टाइम पे फोटोशॉप 7 में काम होता था. अभी तो एडोबी का CC वर्जन आ गया है. इससे काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स जो है टाइम्स वो आगे चला गया है. तो अभी बहुत सारी चीज़ें सिंपल कर दी है. ताकि टाइम बच सके और अच्छे से अच्छा डिज़ाइन प्रोड्यूस हो सके। इवन 3D इफ़ेक्ट्स वगैरह ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी ऐड हुए हैं। सो क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्लोवर इन्फोटेक में ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने के क्या चैलेंजेस थे और उन्होंने आपका जरिया किस तरह बदला? काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है आपने। एक्चुअली स्टार्टिंग में मैंने जब एज एन जॉब चालू किया तो तब मैं मर्चेंडाइजिंग के लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता था। देन मैं एक जू के लिए डिज़ाइनिंग करता था। देन मैं फाइनेंस सेक्टर में डिज़ाइन करने लगा। तो एक काफ़ी डिफरेंट थे। और जब मैं क्लोवर में आया यहाँ तो पूरा गेम ही चेंज हो गया है। यहाँ पे बहुत टेक्नोलॉजिकल टर्म्स आ गई जैसे कि क्लाउड माइग्रेशन, ओरेकल ERP डेवलपमेंट एंड बहुत सारी अलग अलग ऐसे टर्म्स। और ये सब टर्म्स के लिए डिज़ाइन करने के लिए मुझे बहुत इनिशियली दिक्कत हुई। तब बेसिक चीज़ ये सामने आई कि मुझे ये सारी चीज़ों के लिए डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मुझे खुद ये टर्म समझनी होगी। अब जैसे कि क्लाउड माइग्रेशन क्या होता है? क्लाउड माइग्रेशन में हमारा डेटा हम क्लाउड पे डालते हैं। तो ये सब टेक्निकल टर्म्स सुनने के लिए लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं रहते। अगर वही सारी चीज़ें आप विजुअल्स में दिखाओगे तो काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं। जैसे कि एक क्लाउड से और क्लाउड्स के नीचे से कुछ वायर्स जा रहे हैं तो इट्स डिपिक्ट्स क्लाउड्स, क्लाउड माइग्रेशन। करेक्ट। जैसे कि मैं भी जब मैंने शुरू किया था जानना कि ये IT इंडस्ट्री करती क्या है या क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, मशीन लर्निंग ये सब क्या होती है, तो मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियोस दैट आई वॉच्ड हेल्प मी बिकॉज वो विजुअली हमको बता रहे थे मुझे कि अच्छा क्लाउड कंप्यूटिंग में ये सर्वर A कनेक्ट्स टू सर्वर B या आपकी जो चीज़ें हैं वो ऑन प्रीमाइज टू क्लाउड होती है। बिकॉज अगर मैं बिना इस विजुअल्स के अगर मैं सिर्फ पढ़ता व्हाट इज़ ऑन प्रीमाइज या व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग तो थोड़ी दिक्कत आती। सो या आई थिंक एज यू सेड ग्राफिक डिज़ाइनिंग माइट हेल्प IT टू काइंड ऑफ ये जो चीज़ें हैं उनकी जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होती है उनको कितने सिंप्लीफाई डिज़ाइन में कितने अच्छी तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो अच्छी बात है। फाइनली आपकी तरह हमारी ऑडियंस में भी कुछ लोग होंगे जिनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने का शौक होगा या उनको भी शायद UI/UX डेवलपमेंट में करियर बनाने का अगर उनकी चाह होगी या उनको अगर ऑप्शन है तो क्या आप बता सकते हो कि UI/UX सबसे पहले तो उनको जानना ज़रूरी है कि UI/UX क्या होता है और वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? ऐसा ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बिना डिज़ाइनिंग के भी कोई चीज़ें हम दिखाई जा सकती है। अगर मुझे किसी चीज़ में लॉगिन करना है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो व्हाट इज़ UI/UX और वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस ये दो चीज़ें एक ही कॉइन की टू साइड्स है। ये दोनों साइड्स टुगेदरली आनी चाहिए और करेक्ट आनी चाहिए तब जाके स्टेक होल्डर्स का या फिर कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका फाइनल एम जो है वो रिजल्ट आउटपुट हमें मिल सकता है। तो बेसिकली अगर आप सब तो ऑनलाइन शॉपिंग करते होगे, अगर आपको ग्रोसरी चाहिए, आप D-Mart के ऐप पे गए, वहाँ पे आपने डाला कि आपको ग्रोसरी में चाहिए डेली नीड्स में जाके आपने शुगर डाला, शुगर में बाद में आपने फिर 2 किलोज सिलेक्ट किया, देन आपने आपका एड्रेस ऐड किया, देन आपने बाय किया। अब इतना ही लंबा प्रोसेस हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए वहाँ पे अब एक नया ऑप्शन D-Mart ने ऐड किया है। वहाँ पे वॉइस कमांड, अगर वॉइस कमांड में आप लिखते शुगर 2 kg तो सीधा आपको शुगर 2 kg आ जाएगा। तो बीच में जो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से वहाँ जाए, तो ये सारा पार्ट कट हो गया। तो ये हो गया यूज़र एक्सपीरियंस। और वो जो दिखने के लिए, मतलब अगर मैं गूगल टॉक पे क्लिक करूँ, गूगल वॉइस पे, और सीधा वो बटन दबा के बोल दूँ, वो है यूज़र इंटरफेस। और जो इजीली वैसे मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो मिल रहा है, वो है यूज़र एक्सपीरियंस। तो आप जो कह रहे हो जो चीज़ें हमें दिखती हैं स्क्रीन पर, जो ऐप पे या वेब पे जो दिख रही है वो UI है, यूज़र इंटरफेस। और जो चीज़ें हम करते हैं उन बटन्स को लेके, उन चीज़ों को लेके, उन कंटेंट को, इमेजेस को लेके जो हम एक्शंस लेते हैं वो आपका यूज़र एक्सपीरियंस बनता है। करेक्ट। ओके, सो फाइनल सवाल अमोल जी ये है कि ये जो लोग हैं जिनको यूआई यूएक्स डेवलपर बनने की चाह है या उन्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग का करियर बनाना है, वो कैसे बना सकते हैं? आई मीन आपने कुछ कोर्स किया था, या जिस तरह अभी इंजीनियरिंग, अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे इंजीनियरिंग करने की कोर्स करनी पड़ेगी, फिर डिप्लोमा या ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, ख़त्म इंजीनियरिंग ख़त्म, ऐसा कोई चीज़ है यूआई यूएक्स का जो आपको कुछ चीज़ें करनी होती है? आर देयर अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट नीड्स टू बी डन बिफोर बिकमिंग, या क्या मतलब क्या चीज़ें आप बताना चाहते हो? इसमें बेसिकली जो प्रॉपर स्टार्ट जो रहता है वो रहता है ड्राइंग से। अगर आपका ड्राइंग अच्छा है तो यू कैन परफॉर्म बेटर, बट सपोज़ आपका ड्राइंग इतना अच्छा नहीं, लेकिन आपकी जो थिंकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, तो भी इसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। Okay. आप स्टार्ट कर सकते हो एज एन ग्राफिक डिज़ाइनर, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक डिटेल ब्रांच जो अभी रिसेंटली जो लास्ट 5-6 ईयर्स में ज़्यादा इसका मार्केट आया है, जो है यूआईयूएक्स। क्योंकि बहुत बार ऐसा रहता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना देते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट फेल जाता है, तो फेल क्यों जाता है? वो सक्सेसफुल होना चाहिए, इसके लिए जो टेक्निकल स्टडीज रहते हैं वो यूज़र यूआईयूएक्स में आते हैं, तो उसमें बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं। जैसे आप यूज़र रिसर्च कर सकते हैं, यूज़र सर्विस कर सकते हैं, आप टेक्निकल आर्किटेक्ट जो फ्लो डिसाइड करता है एक प्रोडक्ट आर्किटेक्ट, उसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ग्राफिक डिज़ाइनर का आप काम कर सकते हैं। अगर आपका प्रोग्रामिंग स्किल सेट्स और कलर कॉम्बिनेशंस डिज़ाइनिंग स्किल के साथ डेवलपिंग नॉलेज भी आपका अच्छा है तो आप डेवलपर भी बन सकते हैं। ओके. इसमें एंड्रॉयड डेवलपर, iOS डेवलपर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बट स्पेसिफिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए आपको फिलहाल फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एडोबी का सूट जो है वो आपको आना चाहिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, उसमें आप डिज़ाइनिंग से लेके डेवलपमेंट तक के सारे टूल्स उसमें अवेलेबल है। Okay. उसमें से सिलेक्टेड 2-3 टूल्स जो है वो आसान रहते हैं, उसके लिए बहुत सारे मार्केट में डिफरेंट ऑप्शंस भी है। फिग्मा है, स्केच है, एडोबी XD है, बट फिलहाल एडोबी XD में का मैं स्पेशली उसका स्पेशलिटी बताना चाहूँगा कि जैसे कि प्रोटोटाइप्स करना, डिज़ाइन करना, बाद में वो जो डिज़ाइनिंग फाइनल डिज़ाइन डेवलपमेंट को देने से पहले डेवलपर लाइब्रेरीज डेवलपर को हैंड ओवर करना होता है, वो सारी चीज़ों के लिए पहले डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते थे, लेकिन अभी एडोबी XD ने वो सब फ्लेक्सिबिलिटी उनके एक ही सॉफ्टवेयर में दे दिए, तो वहाँ पे हम प्रोटोटाइप भी कर सकते हैं, डिज़ाइन भी कर सकते हैं, और डेवलपमेंट मटेरियल्स भी उसमें से दे सकते हैं, और बहुत सारे जो लेटेस्ट इफ़ेक्ट्स वगैरह वो सब धीरे धीरे उसमें ऐड होते जा रहे, तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा करियर रहेगा अगर आप इसमें कोई करियर करना चाहते हो तो। ओके, सो थैंक्स अमोल, थैंक्स अ लॉट। सो ऑडियंस, देयर वी आर, एज अमोल राइटली सेड, वी डू नॉट नीड एनी टेक्निकल स्किल्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज़। कहीं पे भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। टाइम एंड मनी इज़ वेरी आई मीन दिस कैन बी डन वेरी इजीली एंड इन वेरी सिंपल वे। कोई भी एक UI/UX के कोर्स करने वाले इंस्टीट्यूशन को आप ढूंढ सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, और आई थिंक द ओनली थिंग दैट यू नीड इज़ अ डिवाइस, अ PC और अ लैपटॉप, जिसमें आपको Adobe की जो स्वीट एज अमोल सेड XD UI/UX के लिए, प्लस फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग यू कैन पुट और इंस्टॉल फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे फ्री कोर्सेस होते हैं जहाँ से आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। विजुअली दे गिव यू अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स ऑन हाउ टू डिज़ाइन थिंग्स ऑन फोटोशॉप, हाउ टू डिज़ाइन ऑन वेक्टर्स ऑन इलस्ट्रेटर, हाउ टू डिज़ाइन अ गुड प्रोडक्ट और एन ऐप ऑन XD। सो ये सारी चीज़ें सीख के आई थिंक विद इन 1 or 2 ईयर्स आप बहुत सारा अच्छा स्किल सेट बना सकते हो। प्लस अगर आपको क्लाइंट इंटरफेस जानना है, क्लाइंट एंगेजमेंट, या क्लाइंट किस तरह आपको क्लाइंट की चीज़ें, क्लाइंट का एनवायरनमेंट, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स आपको किस तरह बदलता है, आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो आप कहीं पे इंटर्नशिप भी कर सकते हो फॉर स्टार्ट, एंड देन यू कैन बिल्ड अ करियर आउट ऑफ इट। सो थैंक यू मिस्टर अमोल फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस। इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू ऑल आवर पॉडकास्ट। Also visit www.cloverinfotech.com for a lot of blogs and good topics on technology and IT infrastructure, etc. Thanks a lot, guys. Thank you, Amol. Thanks a lot. Thank you.